देखो, फिजिक्स में आप लोग दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे स्केलर क्वांटिटीज, एक आप पढ़ोगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो मतलब आगे जाके हमको बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी पढ़नी है जो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील करने के लिए हमको वेक्टर अल्जेब्रा आना बहुत जरूरी है। तो वेक्टर अल्जेब्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और तुम्हें मजा भी आएगा। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से एक चीज को समझना। तुम सब लोगों ने अब तक ग्राफ्स पढ़े हैं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबको पता है ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये पॉजिटिव एक्स होती है, पता है। ये कौन सी होती है, ये पॉजिटिव वाई होती है। ये वाली कौन सी होती है, ये नेगेटिव एक्स होती है। ये कौन सी होती है, ये नेगेटिव वाई होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको इतना पता है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स होती है, ये पीछे वाली माइनस एक्स होती है। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई होती है, नीचे वाली नेगेटिव वाई होती है। फिर दो डायरेक्शन और होती है, पता है तुम्हें। एक होती है ये बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड, एक होती है अंदर की तरफ नेगेटिव जेड। तो आपकी इतनी सारी डायरेक्शन होती है। तो कितनी डायरेक्शन है ये, छह डायरेक्शन है। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, इतना आपको पता है। एक बार अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो। और यहाँ पे ये 3D है, ये 2D नहीं है, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल। मतलब ये जो पॉजिटिव जेड है ना, ये बाहर की तरफ है, और ये जो नेगेटिव जेड है ना, ये अंदर की तरफ है ना। तो ये आपका पॉजिटिव एक्स, ये आपका नेगेटिव एक्स, ये आपका पॉजिटिव वाई, ये आपका नेगेटिव वाई, ये आपका पॉजिटिव जेड मतलब आउटवर्ड्स, और नेगेटिव जेड मतलब इनवर्ड्स। एक बार अपनी कॉपी में डायग्राम बना लो ये वाला, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, क्योंकि सब कुछ आपका इसी डायग्राम पर टिका हुआ है। एक बार ये बना लो अपनी कॉपी में। तो कितनी डायरेक्शन हमारे पास, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अब तक तो पूछो। सबने इतना इतना तो पढ़ा है अब तक कि एक्स वाई जेड अपने तीन तीन डायमेंशन होते हैं। एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, जेड ये हो गया। ठीक है, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखते जाना। जो एक्स डायरेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, मतलब आई लिखना है ऊपर, आपको एक टोपी पहनानी है। जो वाई डायरेक्शन है उसको हम डिनोट करेंगे जे कैप से, मतलब को जे लिखना है ऊपर, एक टोपी पहनानी कैप। और जो जेड डायरेक्शन है उसको आप डिनोट करोगे के से, तो के ऊपर कैप, के कैप। तो जो एक्स डायरेक्शन है उसको आप आई कैप से डिनोट करोगे, जो वाई डायरेक्शन है उसको आप जे कैप से डिनोट करोगे, जो जेड डायरेक्शन है उसको आप के कैप से डिनोट करोगे। इसका मतलब क्या है, तो पॉजिटिव एक्स मतलब आपको लिखना है आई कैप, नेगेटिव एक्स का मतलब हो जाएगा माइनस आई कैप। तो पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई का मतलब जे कैप, नेगेटिव वाई का मतलब माइनस जे कैप, और पॉजिटिव जेड का मतलब के कैप, और नेगेटिव जेड का मतलब माइनस के कैप। लिख लो अपनी कॉपी में, ये होता है आपका एक्स वाई और जेड का मीनिंग। तो एक्स मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप, जेड मतलब के कैप। तो पॉजिटिव एक्स आई कैप, नेगेटिव एक्स माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई जे कैप, नेगेटिव वाई माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड के कैप, और नेगेटिव जेड माइनस के कैप। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तुम्हें इस चीज को याद रखना है कि अब से अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव एक्स तो आपको याद रखना है आई कैप, मैं बोलूं नेगेटिव एक्स तो आपको याद रखना है माइनस आई कैप, मैं बोलूं पॉजिटिव वाई तो आपको जे कैप, नेगेटिव वाई तो माइनस जे कैप, पॉजिटिव जेड तो के कैप, और नेगेटिव जेड तो माइनस के कैप। लिख लो अपनी कॉपी में। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कि डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार। तो ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी, कौन सी, कि पॉजिटिव एक्स मतलब प्लस आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई मतलब प्लस जे कैप, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप, और पॉजिटिव जेड मतलब प्लस के कैप, और नेगेटिव जेड मतलब माइनस के कैप। ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, अ पर्सन वॉक्स
a person walks 10 meter in east direction. Write in vector form. तो आपको इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है. किस चीज को? देखो तुम ध्यान से सुनो. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे रखा है कि अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन. तो अगर तुम लोगों को नहीं पता, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं. ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है वेस्ट डायरेक्शन, ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है साउथ डायरेक्शन. मतलब ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स, वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव वाई, साउथ मतलब नेगेटिव वाई. बाहर की तरफ मतलब पॉजिटिव जेड तो ये होता है आपका आउटवर्ड्स, और अंदर की तरफ मतलब नेगेटिव जेड तो इसको बोलते हैं हम इनवर्ड्स. तो अब से तुम ये वाली टर्मिनोलॉजी याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आउटवर्ड और अनवर्ड वाली, है ना, ये भूलना मत. क्योंकि वेस्ट बंगाल कहाँ पे? ईस्ट में. तो ईस्ट आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव एक्स. वेस्ट आपका हो जाता है नेगेटिव एक्स. नॉर्थ आपका पॉजिटिव वाई, साउथ आपका नेगेटिव वाई. आउटवर्ड्स मतलब पॉजिटिव जेड, इनवर्ड्स मतलब नेगेटिव जेड. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो हम करते हैं. तो अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन. तो एक बंदा 10 मीटर ईस्ट में चला, तो ईस्ट कहां होता है? उधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव एक्स. तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो देखो कितना चला? 10 मीटर. तो ये तो हो गई वैल्यू. और किस में चला? ईस्ट में. तो आप लगा दो आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स मतलब क्या होता है? आई कैप. तो ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में 10 आई कैप मीटर. ये आ गया तुम्हारा आंसर. तो 10 आई कैप का मतलब क्या है? कि पॉजिटिव एक्स में कितना चला? 10 मीटर चला. आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इस टर्मिनोलॉजी में तो पूछ सकते हो तुम. अरे वापस बताओ ना. देख, एक बंदा 10 मीटर इस डायरेक्शन में चला, तो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली है. इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्स. कितना चला? 10 मीटर. किस डायरेक्शन में? ईस्ट में. ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स, तो यहां पे आ जाएगा आई कैप. तो ये आ गया 10 आई कैप. अगर यही मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पर्सन वॉक्स 20 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो एक बंदा 20 मीटर कितना कहां चला? साउथ डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ 20 मीटर गया. तो आप मुझे बताओ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कितना चला? 20 मीटर. साउथ मतलब कहां? नीचे की तरफ. तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप. आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कि ये कैसे आया, कि क्लियर हो गया? डाउट है कोई तो पूछ सकते हो आप. तो 20 मीटर का चला नीचे की तरफ, तो ये क्या आ गया तुम्हारा? 20 माइनस से क्या. क्लियर हो गया कि डाउट है? जानवी क्लियर हुआ तुम्हें? समझ में आया कि मैंने 20 माइनस जेके क्यों लिखा? क्योंकि वो बंदा 20 मीटर चला साउथ डायरेक्शन में. तो कितना चला? 20 मीटर चला. कहां चला? साउथ डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ. तो ये माइनस जेके आ गया. ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं. तो आपका जो आई केप, जे केप, के केप होते ना, ये डायरेक्शन बताने के काम आते हैं कि आपका बंदा किस डायरेक्शन में चला. आई केप, जे केप, के केप कहां पे चला, तो ये जो है ये सब डायरेक्शन बताने के काम आते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लो, अब लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक, लिखो पोजिशन वैक्टर. सब अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो पोजिशन वैक्टर, कि पोजिशन वैक्टर क्या होता है. लिखो अपनी कॉपी में. तो सब पहले डेफिनेशन लिखो आगे अपनी कॉपी में. अ वैक्टर विच डिनोट्स पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, अ वैक्टर which denotes position of a particle is called as position vector. तो ऐसा vector जो particle की position बताता है, उस vector को हम बोलते हैं position vector. अब देखो position vector कैसे लिखा जाता है. तो suppose करो कि आपका कोई बंदा है, मान लो कि वो बंदा 2,3 पे खड़ा हुआ है, मतलब x,y होता है, तो x coordinate 2 है और y coordinate 3 है. तो इस बंदे का पोजीशन वेक्टर क्या है, कैसे लिखोगे? देखो, एक तो पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं हम r से. ऊपर लगाते अपन एक एरो, ये एरो बताता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो 2,3 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है. तो 2i कैप प्लस 3j कैप,
ये हो गया आपका पोजिशन कॉर्डिनेट, है ना। यही मान लो कोई तुम्हें बोले कि यार एक बंदा है, मान लो वो खड़ा हुआ है 1, 2, 4 पे। याद रखना अगर आपके तीन कोऑर्डिनेट है, मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, एक जेड कोऑर्डिनेट है, तो इस बंदे का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखोगे? देखो एक्स के साथ वन है तो खाली आई कैप, वाई के साथ टू है तो वाई क्या होता है जे कैप, तो टू जे कैप। देखो जेड के साथ फोर है तो ये क्या आ जाएगा 4k कैप, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर। कोई डाउट है तुम्हें तो इसमें पूछो। तो अगर मान लो खाली 2, 3 लिखा है, मतलब अपन 2D की बात कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप। लेकिन यही मान लो आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, z भी दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है तो i कैप, y कोऑर्डिनेट 2 है तो प्लस 2j कैप, z कोऑर्डिनेट 4 है तो प्लस 4k कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, है ना। कोई डाउट है इसको तो पूछो। जैसे मान लो कि कई लोग बोलते हैं कि सर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? देखो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मान लो कि कोई बंदा खड़ा है 2, -5 पे और मैं पूछूं कि बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो आ जाएगा 2i कैप, y कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो ये आ जाएगा -5j कैप, तो 2i कैप -5j कैप, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? बस x कोऑर्डिनेट के साथ तुम्हें i कैप लिखना है और y कोऑर्डिनेट के साथ तुम्हें j कैप लिखना है, और अगर z हो तो साथ में k कैप लिखना है। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर पोजीशन वेक्टर लिखना हमें नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सौम्या कोई डाउट है? डुमना कोई डाउट है? कृथ्वी कोई डाउट? -5 का लिखेंगे सर, वाई नहीं, -5y नहीं बेटा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो 2 के साथ i कैप और -5 के साथ j कैप हो गया। जो y कोऑर्डिनेट है उसके साथ j कैप लिखा जाता है, जो x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i कैप लिखा जाता है। डाउट हो तो पूछो। तो तुम लोग मुझे इसका वेक्टर लिख के बताओ। तो क्वेश्चन है राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, -5, -3। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कोई बोलेगा नहीं, आप टाइप कर देना 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप -5j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप -5j कैप माइनस 3k कैप, और 2j कैप -5i कैप माइनस 3k कैप। तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर, लगाओ सब दिमाग, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा सोचो? द आंसर विल बी 2i कैप, इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप, इसके साथ k कैप, ये आंसर इसका c वाला। आया तुम सबको समझ में कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है अनम्यूट करके तुम पूछ सकते हो मुझे। यार जैसे कि जो नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है सब वही लगाना होता है। हाँ बस ये जैसे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट है, तो 2i कैप -5j कैप -3k कैप। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है। अच्छा तुम सबको डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि यार मैंने एक चीज को डिस्प्लेस कर दिया, तो तुम सबको डिस्प्लेस करने का मतलब पता है? डिस्प्लेस करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यही मतलब होता है कि यार मैंने तो डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अपनी जगह उसकी जगह बदल दी। तो सपोज करो कि आपका कोई पार्टिकल है, मान लो पहले वो इस पोजिशन पे खड़ा था, मान लो ये आपकी इनिशियल पोजिशन है,
और मान लो ये पार्टिकल चल के यहां पे चला गया, मान लो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो देखो मान लो आर आई है आपका, आर आई मतलब होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आर आई का मतलब है पार्टिकल शुरू में क्या है, और मान लो आपको आर एफ दे रखा है फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो आर आई का मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल शुरू में कहा है, आर एफ का मतलब है फाइनल पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल बाद में कहा है, तो डी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको कई लोग आर एफ आई भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर एफ माइनस आर आई, इसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कोई तुम्हें पूछेगी यार कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, देखो बहुत आसान है, पहले आप चेक करो कि पार्टिकल पहले कहां था, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फिर आप चेक करो कि पार्टिकल बाद में कहां था, तो ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर एफ माइनस आर आई, जिसको हम आर एफ आई से भी डिनोट करते हैं, तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लिख लो अपनी कॉपी में, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिख लो, फिर मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूं इसको। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, तुम में से कोई उस क्वेश्चन को लिखेगा नहीं, ठीक है, तुम सिर्फ समझना कि कैसे करते हैं, फिर अगला तुम पूरा खुद करना, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, तो पार्टिकल शुरू में जहां है उसको बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल बाद में जहां है उसको बोलते हैं अपन फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आर एफ आई, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको तो लिखना मत ना। तो क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट वॉज initially at 2,3, it then moved to 6,7, to find initial position vector, comma final position vector एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आपको तीन वेक्टर निकालने हैं, कौन से निकालने, देखो ध्यान से सुनो। तो एक पार्टिकल शुरू में कहां पे था, 2,3 पे, तो आप मुझे बताओ इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा, 2i cap + 3j cap आ जाएगा। इट देन मूव्ड टू 6,7, तो इसका फाइनल पोजिशन वेक्टर कितना आ जाएगा, 6i cap + 7j cap आ जाएगा। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन क्या है, 6i cap + 7j cap, इनिशियल क्या है, 2i cap + 3j cap। तो सॉल्व करो कितना आएगा, तो 6i में से 2i गए तो कितना बचा, 4i, और 7 में से 3j गया तो कितना बचा, 4j। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया, मैंने कैसे किया, कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। देख दिस क्वेश्चन ध्यान से पढ़, एन ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली एट 2,3, एक ऑब्जेक्ट पहले कहां पे था, 2,3 पे, तो देख इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i cap + 3j cap। इट देन मूव्ड टू 6,7, फिर वो चल के कहां पे चला गया, 6,7 पे, तो 6,7 मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 6i cap + 7j cap हो जाएगा, पहले 2,3 पे था, तो 2i cap + 3j cap कहां चला गया, 6,7 पे, तो 6i cap + 7j cap। तो मैंने पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो देख फाइनल की वैल्यू पुट करी, इनिशियल की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ओके सर, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल इज
initially at 1,2 and then moved to 2,-3. Find initial position vector, comma final position vector, comma displacement vector. Try करो क्या आएगा इसका आंसर. क्या आएगा इसका आंसर सोचो. तो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है 1,2 तो आई कैप प्लस 2 जे कैप. आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है ध्यान से देखो 2,-3 तो 2i-3j. किसी को अब तक तो कोई डाउट नहीं है. डाउट है यार. तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है 1,2 तो आई कैप प्लस 2 जे कैप क्लियर हुआ. फाइनल पोजीशन क्या है 2,-3 तो 2i-3j क्लियर हुआ. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है जिसको अपन RFI भी लिखते हैं. तुम घबराना मत ना. कई लोग क्या होते हैं इसको अलग अलग नाम से लिखते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो RF-RI तो कितना आ जाएगा चेक करो. तो 2i-3j माइनस और RI कितना है i-2j. ठीक है तो सॉल्व करो कितना आ रहा है ये. तो 2i-3j-i-2j कितना आ रहा है. तो 2i में से i गया ये तो i बचा तो i-5j आ गया. नहीं आया समझ में कि आ गया कि सर नहीं हो रहा है क्लियर. यार डाउट है तो पूछो यार. कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो. प्राचिता बेटा कोई डाउट है. लुबेना कोई डाउट है. जानवी कोई डाउट है तो पूछो. देखो अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि है ना अकबर का राज गया अकबर की बातें खत्म हो गई. नहीं वेक्टर की बातें अगले 2 साल तक तुम्हारे काम आएगी. और अगर जिंदगी में साइंस पढ़नी है तो जिंदगी भर काम आएगी. तो ये जो आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजिशन वैक्टर कैसे लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कैसे निकाला जाता है. कोई डाउट है तो मुझे अभी पकड़ो कि नहीं सर नहीं समझ में आया. लुबेना क्लियर हुआ. जानवी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यार. यस सर. यस सर. काना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. अब मैं तुम्हें देखो अब बार बार अपन एक जैसे क्वेश्चन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है. अब मैं तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं. तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. तो आपको बताना है कि यार किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. देखो मैं तुम्हें इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा. तुम सब मुझे एक बात बताओ कि ये अपना ग्राफ होता है. सबको ग्राफ तो पता है यार. पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई. अच्छा तुम मुझे देख के बताओ पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते कि नहीं होते. सोचो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते ना प्लस प्लस. दूसरे क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है. होता है. तीसरे क्वाड्रेंट में तो यार दोनों नेगेटिव होते हैं. आप मुझे बताओ होते कि नहीं होते. तीनों क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव. और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है. होता है कि नहीं होता है यार सोचो. ऐसा ही होता है. पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव. दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव. तीसरे में दोनों नेगेटिव. चौथे वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव. ऐसा होता है कि नहीं होता है यार. दुष भाई कोई डाउट तो नहीं है इसमें. तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि 2i-3j वेक्टर दिखने में कैसा होगा. मतलब एग्जैक्ट नहीं आपको बस ऐसा गैस लगाना है कि हाँ सर कैसा होगा. देखो मैं आपको बताता हूँ. तो 2i-3j
इसका मतलब तुम ध्यान से देखो, आई कैप के साथ भी पॉजिटिव है, जे कैप के साथ भी पॉजिटिव है, है? देखो आई कैप के साथ भी पॉजिटिव है, जे कैप के साथ भी पॉजिटिव है, मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो आपका वेक्टर दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। आया समझ में? ये मैं बोलता कि बताओ ये वाला वेक्टर दिखने में कैसा होगा, माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। तो अब तुम ध्यान से देखो, एक्स के साथ आई कैप के साथ नेगेटिव है पर जे कैप के साथ पॉजिटिव है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। तो आपका वेक्टर दिखने में ऐसा होगा, मतलब आपको अपना एरो कहां पे लेके जाना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर यही मैं बोलूं कि माइनस टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, मान लो कि एक्स के साथ भी नेगेटिव है और वाई के साथ भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, तो ये वाला वेक्टर दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा इधर की तरफ। मतलब एग्जैक्ट कैसा बनेगा वो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बट ऐसा होगा। और यही मैं तुम्हें पूछूं कि यार तुम्हारा वेक्टर ऐसा है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, मान लो एक्स के साथ पॉजिटिव है वाई के साथ नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो ये वेक्टर दिखने में कैसा होगा? ऐसा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे किया? प्राचीता आपकी आपका आई थिंक नेट कनेक्शन टूट गया था बेटा, इसमें डाउट है तो पूछो। जैसे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप है, तो इसमें आई कैप के साथ भी पॉजिटिव है, जे कैप के साथ भी पॉजिटिव। देखो आई कैप के साथ टू जो पॉजिटिव है, जे कैप के साथ थ्री पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको अपना एरो ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भेजना है। ये मैं पूछो कि माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, तो एक्स के साथ नेगेटिव है वाई के साथ पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब ये वेक्टर दिखने में ऐसा होगा, ये वाला वेक्टर ऐसा होगा दिखने में। माइनस टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, देखो दोनों नेगेटिव है, तो ये वाला वेक्टर ऐसा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, देखो एक्स के साथ पॉजिटिव है वाई के साथ नेगेटिव है, तो ये वाला वेक्टर दिखने में ऐसा होगा। देखो मैं एक बार और समझाता हूं। देखो जैसे एक चीज तुम याद रखना, अगर 2D की बात करें तो पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इतना आपको पता है पचीता की? कोई डाउट है इसमें? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि सर ये आपने क्या लिखा, इसमें तो क्लियर हो गया। तो जैसे मान लो मैं पूछूं कि 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप वेक्टर दिखने में कैसा होगा, तो देख आई कैप के साथ भी पॉजिटिव है, जे कैप के साथ भी पॉजिटिव है, तो आपको ओरिजिन से ऐसे बनाना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर यही मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ माइनस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप कैसा होगा, तो देख एक्स के साथ नेगेटिव है वाई के साथ पॉजिटिव है, तो ये तेरा इधर की तरफ होगा। अगर मैं बोलूं कि माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप दिखने में कैसा होगा, देख दोनों नेगेटिव है, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं होगा। और मान ले कि मैं तुम्हें बोलूं कि 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप दिखने में कैसा होगा, तो देख x के साथ पॉजिटिव है y के साथ नेगेटिव है, तो ये इधर कहीं होगा। ये बताया मैंने अब तक। आया तुम्हें समझ में कि डाउट है इसमें? क्लियर हुआ कि डाउट है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। हो गया? तो देखो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो, और मैं देखा यार कई बार बच्चों को ये सब तो आता है, पर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ 10 आई कैप दिखने में कैसा होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, 10 आई कैप तो उधर की तरफ होगा क्योंकि आई कैप पॉजिटिव है। अगर ये मैं पूछूं कि बताओ माइनस 10 आई कैप दिखने में कैसा होगा, तो देखो माइनस आई कैप के साथ नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस 10 आई कैप, है ना। मैं पूछूं कि बताओ 5 जे कैप दिखने में कैसा होगा, तो ऐसा होगा। मैं बोलूं कि बताओ माइनस 2 जे कैप दिखने में कैसा होगा, तो ऐसा होगा, खत्म। तो वेक्टर देख के तुम्हें वेक्टर बनाना आना चाहिए। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ये वाला एग्जांपल भी लिख लो अपनी कॉपी में ताकि तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे ना मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं। क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्ड फ्रॉम 1,2 to -2,-4। ठीक है, 1,2 to -2,-4, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
करो ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर. एक पार्टिकल 1.2 पे था, कहां चला गया वो? -2.-4 पे. तो आपको बताना है कि एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है और दूसरा आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा. सोचो. तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है. तो पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी. सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को. सोचो तो आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आई कैप प्लस 2j कैप 1.2. आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -2i कैप -4j कैप दोनों नेगेटिव है. और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? मैंने तुम्हें क्या सिखाया? RFI. तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन क्या है? -2i कैप -4j कैप और इनिशियल पोजिशन क्या है? i कैप प्लस 2j कैप. तो सॉल्व करो देखो कितना आएगा. तो -2i कैप -4j कैप -i कैप -2j कैप. तो -3i कैप -6j कैप. और ध्यान से देखो दोनों नेगेटिव है तो आपका वेक्टर दिखने में कैसा होगा? ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में. आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे कि नहीं सर या नहीं समझ में आया. प्राचीता कोई डाउट है? पृथ्वी कोई डाउट है? द्विज कोई डाउट है? लुबेना तो पूछो. सौम्या कोई डाउट है तो पूछो. सौम्या क्लियर हुआ कि डाउट है? प्राचीता कोई डाउट है तो पूछो यार. आ गया. अच्छा आप देखो ध्यान से देखो और आज का लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में. हाउ टू फाइंड लेंथ या फिर स्लैश करके लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं हाउ टू फाइंड लेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर. तो किसी भी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं या मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं हाउ टू फाइंड लेंथ और मैग्नीट्यूड. देखो सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि 2i कैप प्लस j कैप वेक्टर दिखने में कैसा होगा. तो तुम्हें पता है 2i कैप प्लस j कैप वेक्टर का मतलब क्या है? 2i कैप प्लस j कैप का. देखो अब तुम सब ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर्म तरीका है कि वेक्टर बनाया कैसे जाता है. 2i कैप प्लस j कैप. तो 2i कैप का मतलब है कि पहले आपका बंदा 2 मीटर आगे की तरफ चला, प्लस j कैप का मतलब है कि फिर आपका बंदा 1 मीटर ऊपर की तरफ चला. तो आपका जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा. ये आपका वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप. तो 2i कैप प्लस j कैप का, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? तो 2i कैप का मतलब है कि पहले आपका बंदा 2 मीटर आगे की तरफ चला. देखो आगे की तरफ चला 2 मीटर. प्लस j कैप का मतलब है फिर आपका बंदा 1 मीटर ऊपर की तरफ चला. देखो 1 मीटर ऊपर की तरफ चला. तो आपका फाइनल वेक्टर ये वाला है, ये वाला. ठीक है, तो तुम मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगा सकते हो. देखो आपका परपेंडिकुलर कितना है? 1. आपका बेस कितना है? 2. तो आप मुझे बताओ इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? √2² + 1² होगी कि नहीं होगी? ध्यान से देखो, कोई डाउट तो नहीं इसमें कि समझ में आ गया? होगी √5, है ना? तो देखो
टू आई कैप प्लस जे कैप का लेंथ कितना हुआ, रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, मतलब देखो आई के साथ जो है उसका स्क्वायर किया प्लस जे के साथ जो देखो उसका स्क्वायर किया, किया कि नहीं किया, यही मान लो मैं तुम्हें पूछता कि बताओ थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देखो एक तो मैंने तुम्हें तरीका बताया कोऑर्डिनेट देख के, देखो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ। थ्री आई कैप का मतलब है पहले बंदा तीन मीटर आगे गया, देखो तीन मीटर आगे आ गया, फिर माइनस सिक्स जे कैप का मतलब है छह मीटर नीचे आया, देखो छह मीटर नीचे आया, तो आपका ये वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा आपका वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ता है, ये आपका वेक्टर है थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप। अब आप मुझे बताओ इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस होगी कि नहीं होगी। देखो तो अपन ने बेसिकली क्या किया, देखो आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, फिर अपन ने उसका रूट ले लिया, ऐसे ही किया, कोई डाउट तो नहीं है कंसेप्ट में, कि डाउट है कि नहीं सर नहीं समझ में आया। आया समझ में? तो याद रखना अगर आपके पास कोई वेक्टर है आर जो आपको दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मतलब आई कैप के साथ ए, जे कैप के साथ बी, के कैप के साथ सी, तो इस वेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर और रूट, इसको बोलते हैं अपन लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेंथ या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये होता है आपका लेंथ या मैग्नीट्यूड, लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर, और फिर रूट लेना है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि आपके पास कोई वेक्टर है आर टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो आप मुझे बताओ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ऑफ आई के साथ क्या है टू, तो टू का स्क्वायर, जे के साथ क्या है वन, तो आ जाएगा वन का स्क्वायर, और के साथ क्या है माइनस वन, तो आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा चार पांच छह, ये आ गया रूट सिक्स। ठीक है, तो आज तुम्हारा काम क्या, देखो मैं तुम्हें अभी एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ आज जो मैंने पढ़ाया उसका, तुम सबको वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में थे देखो तुम सबको मैंने कल मोशन अंडर ग्रेविटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेजे, तुम सबको वो सॉल्व करना है ना, सौम्या ट्राई करना है बेटा, पृथ्वी लुबेना जानवी द्विज तुम सबको मैंने कल रात को भेजे, देखो तुम सबको ट्राई करना है, संडे भी आ रहा है बीच में तो सब ट्राई करना, पर आज की क्लास का असाइनमेंट मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। प्राचिता आपको भी असाइनमेंट सबमिट करना है आज की क्लास का, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ओके यार और ये अभी भेज दो ना।